अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो कुछ भाइयों की मेरी रिक्वेस्ट थी कि अपने पिजन्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाओ, तो आज वो दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊपर से। तो इसमें अभी बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो लेट कर रहा था कि थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर आप को अच्छे से देखेंगे, मतलब कलर वगैरह कैसे हैं कैसे नहीं। तो ये जो बेबी पिजन है वो ये इस वाले पेयर का था, और इसके जो अंडे थे वो ख़राब हो गए थे, तो फिर मैंने एक एक करके एक बच्चा उठा के उसके ऊपर रख दिया ताकि वो अच्छे से भराई करे और अच्छा हेल्थी बच्चा जाए। तो उसके नीचे ये एक ये है, तो इसके जो इसका जो बाप है मतलब वो पूरा वाइट है। तो देखो अपने किस कलर का बच्चा उसने निकाला है। तो इसके साथ का जो दूसरा है वो भी निकालता हूँ मैं। तो दूसरा उसके साथ का ये पेयर है भाई साहब। हाँ ये पेयर है मतलब। अच्छा, इसमें नर और मादी कौन है? इसमें अभी इतना बता नहीं सकता कोई, लेकिन जो ये वाला है ये नर होगा और ये वाली मादी होगी। काफी अच्छा कलर है इनका। हाँ चॉकलेट कलर बोलते हैं इसको। तो ये कितने दिन के हो गए भाई साहब? ये तकरीबन 20 दिन के हैं वो वाले बच्चे। काफी हेल्दी हैं। तो उसके बाद ये इस मिस मादी के वो बच्चे हैं। अच्छा, और साथ में ये वाला। अच्छा, इस कबूतर को क्या बोलते हैं जिसको ये ऊपर होता है? ताजदार है, फैंसी बोलते हैं, मतलब फैंसी में आता है। फैंसी, अच्छा। हाँ, वाइट है पूरा, नहीं पूरा वाइट है। और रोलर कबूतर है मतलब। उसके बाद एक ये है, ये तो आपने देखा ही हुआ। तो इसके साथ की मादी पीछे है, वहाँ पे लाइट कम है। तो उसके निक्के बच्चे भी आपको दिखा देता हूँ, छोटे हैं अभी। तो एक ये है, ये कितने दिन के भाई साहब? ये तकरीबन 5 दिन के होंगे या 6 दिन के होंगे बस। अच्छा अच्छा। तो दूसरे हेल्दी हैं, काफी हेल्दी बच्चे हैं। तो दूसरा उसके साथ का ये है। इन दोनों में अभी हम जज नहीं कर सकते कौन नर है कौन मादी? नहीं, ये अभी नहीं कर सकते। कम से कम कितने दिनों के बाद हम चेक कर सकते हैं कि ये नर है और ये मादी है? ये तकरीबन जब जो मतलब जब बड़े होते हैं तब पूरा पता चलता है, 1-3-4 मंथ के बाद। अभी कुछ नहीं बता सकते। अभी ऐसे एक आइडिया कर सकते हैं कि ये वाला छोटी है ये मादी निकलेगी, ये वाला नर निकलेगा, ऐसे हम। अच्छा, जो छोटे में रहेगा वो मादी रहेगा। हाँ, लेकिन कंफर्म नहीं होता कि ये पेयर ही निकलेगा। कभी कभी दो मादियां भी निकल जाती हैं और दो नर भी निकल जाते हैं। ये जो ऊपर है, ये जो आपको काट रहा है, ये इन्हीं का है? हाँ, ये इनके बच्चे, इन दोनों इस पेयर का। ये नर है? हाँ, ये नर है। वो कैसे आपने बच्चे के लिए है? हाँ, तो उसके बाद एक पेयर ये है, ये काफी दिन से मतलब तिनके वगैरह इकट्ठे कर रहा है, लेकिन ये अभी ये भी फैंसी में है। हाँ, ये सब सभी फैंसी में आते हैं। ये काफी महंगा होगा अगर खरीदे तो। ये कितने में मिल जाएगा पेयर? ये पेयर तकरीबन 2,000-2,500 का मिल जाता है। तो उसके साथ का ये नर है, फैंसी में आ गया ना? हाँ, फैंसी में। जो प्लेन में होता है वो कितने का? जो प्लेन में होता है वो कितने का पेयर मिल जाता है? वो तकरीबन 500-600 का पेयर मिल जाता है वो यहाँ पे। आपने ये शौक के लिए रखे हैं या कि मतलब आप इनको रिटेल भी करते हो? नहीं, सिर्फ अपने शौक के लिए रखे हुए हैं मैंने। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उसके बाद देखा था उधर आप इनके लिए कोई घर बना रहे हो नया? हाँ, इनके लिए बनाना है, मैंने नया केज बनाना है। अभी ज्यादा हो गए हैं? हाँ, तो एक बेबी पिजन ये भी है, ये इस वाली मादी का है। अच्छा, ये बेबी पिजन छोटा सा है, छोटा सा है। ये लगता मुझे ये 5-10 दिन का होगा। नहीं, ये 4 दिन का है। अच्छा। हाँ, तो ये वाला जो है इस नर की वो बच्चे। टोटल कितने पेयर हैं आपके पास फैंसी वाले? टोटल पूरे मतलब जो 5 पेयर हैं जो अंडे बच्चे कर रहे हैं, तो बाकी अभी छोटे बच्चे पट्ठे मतलब उसको पट्ठे बोलते हैं यहाँ पर भाषा में। अच्छा, तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी छोटे हैं वो। ठीक, मतलब टोटल कितने पेयर हैं आपके पास कुल मिला के, प्लेन वाले भी और फैंसी में?
भाई साहब मेरे पास सभी जो है वो फैंसी है, मतलब प्लान बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो पूरे शौक रखा है? हाँ, आपका शौक है, शौक के लिए रखे? हाँ हाँ, शौक के लिए। तो भाई साहब मैं आपकी बड़ी वीडियो देखता रहता हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। चलो भाई साहब, आप इनकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। भाई बहुत शौकीन है, इन्होंने आप पैरट भी रखे हुए हैं और काफी अच्छे हैं और इतने समझदार बच्चे हैं, वो उनसे बातचीत भी करते हैं, ये इशारे में बुलाएं तो आ जाते हैं, अपने हाथ से उनको खिलाते भी है। तो सर आप बताइए, आप अपने पैरट्स का शौक आप करवाएंगे? उनका शौक आपको कल करवा दूंगा या एक दो दिन में वो वीडियो डालूंगा, आप उन वीडियो में देख शो कर लेना, क्योंकि अभी तो वो शाम पड़ गई है। मैं आज तो आया था थोड़ा टाइम निकाल के, लेकिन क्या करूं, वक्त नहीं मिलता है मुझे, बहुत शौक था देखने का। तो चलो कोई बात तो नहीं, अगर शौक तो आपको करवा लूंगा, लेकिन वो उसके लिए जो वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होगी, आज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, जब वीडियो बनाओगे वीडियो भी देख लेंगे। तो और इनके बारे में कुछ मजीद बताइए। बस इनके बारे में कुछ नहीं, जो भाई इनके अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो बाकी कुछ नीचे भी देख लीजिए जो है, ये एक इधर है, एक पियर हुआ है, एक ये है, तो इसके साथ का ये वाला है। तो ठीक है भैया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो भैया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो जो नया बंदा है वीडियो देखेगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, तो बताना आपको कैसी कैसी वीडियो अच्छी लगती है, आपकी डिमांड पे जो वीडियो बनेगी, आपकी फरमाइश पे बनेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।